ये देख यार लग रहे तू कसम पंखे के साथ लटक गया था कहाँ से मैं तुम्हें शेरो खान नजर आ रहे यार शेरो खान ने कभी कट लगाया इस सेट से देख ये उस सेट मुंह कर अभी इस यहाँ से शाहरुख खान लग रहे लेकिन मैं कैसे देखूं रेडियो के निकल चुका हूँ स्टोर के लिए रोज की तरह तो नहीं आज तो बहुत ज्यादा सेट में लेट हो गई हूँ क्या हुआ नई से गलती से लग गया ये नई से गलती से नहीं लगा ये मैंने करवाया गिरन ये दाना तोड़ा तो उसे निकला मेरे कटिंग के पीछे खबरदार तुम हंसे अच्छा नहीं है मैंने इतने मेहनत से करवाई नेट से बताऊं गंदे ही लग रही है अस्सलाम वालेकुम चैनल एंड वेलकम टू माय अनदर व्लॉग तो उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे तो आप की दुआओं के साथ हम भी बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह से तो आज सुबह के टाइम पे बहुत ही बिजी दिन था बहुत ही ज़्यादा काम थे और मैं अभी फ्री हूँ तो मैंने कहा अभी से मैं अपनी वीडियो भी स्टार्ट कर लेता हूँ और टाइम भी शॉर्ट ही है लेकिन खैर मेरी वीडियो बन जाएगी मैं छत पे आया हूँ वैसे ही चेक करने क्योंकि आज कोई और पतंग शतंग तो नहीं आई लेकिन आज कोई भी पतंग नहीं आई भी यार पता नहीं आज क्यों नहीं आई तो अभी मैं नीचे जाके एक शॉर्ट अपनी बना लेता हूँ और आज माशाल्लाह से 29th रोजा चल रहा है और पता नहीं अभी कन्फर्म नहीं है कल ईद होती है या नहीं होती कल ही पता लगेगा मैं नीचे आ गई और सारे जो ना शर्टें वगैरह मैंने रख दी और अभी मैं चेंज कर लेता हूँ और बाल शाल मैंने रात को कट करवा लिए थे बहुत ही मुश्किल से इतनी लेट नाइट तक बैठ के जाके फिर नंबर आया कर करवा के आगे चेंज कर लेता हूँ ड्रेस को और फिर जो है ना शॉर्ट बना लेता हूँ और टाइम भी इतना नहीं है मैं रेडी हो गया हूँ सीन के लिए और सीन मेरा कुछ हुआ है कि बहुत सा नहीं है शॉर्ट भी देख लेना और अभी मैं जल्दी जल्दी सीन अपने जो है ना केयर कर लेता हूँ क्योंकि अभी टाइम बहुत तेजी से चल रहा है और कुछ समझ में नहीं आया कि अचानक स्टोर जाने का टाइम हो जाएगा तो लेट्स गेट सीन है सारा हो गया और मुझे इसको भी बुलवाना पड़ गया था मैंने इसको बुलवा लिया और साथ मिला के सीन कर लिए और बहुत ही मजे का फनी सीन है तो अभी खैर थोड़ा सा टाइम है मैं तब तक फ्रेश हो जाता हूँ जाने के लिए स्टोर जाने के लिए तो मैं फ्रेश हो गया हूँ और अभी मैं चलता हूँ स्टोर की तरफ लेट हो रहा हूँ और इसको देखना मुँह से जाके खड़ा हुआ जैसे पता नहीं किसने मारा हो इसको कल देखिए हाँ शक्ल तो मेरी इतनी प्यारी है वैसे रात तो बहुत खूबसूरत लग क्या हुआ नई से गलती से लग गया ये नई से गलती से नहीं लगा ये मैंने करवाया गिरन ये दाना तोड़ा तो उसे निकला मेरे कटिंग के पीछे खबरदार तुम हंसे अच्छा नहीं है मैंने इतने मेहनत से करवाई नेट से बताऊं गंदे ही लग रही है खबरदार इतने मजे की लग रही है कटिंग मैंने जिंदगी में पहली फर्स्ट टाइम ऐसी कटिंग मैंने करवाई है फर्स्ट टाइम सही है ये कहाँ से सही नॉर्मल इब नॉर्मल ये तुमने क्या किया ये देखो ना कितने मजे की यार ये क्या हो गया ईद के दिनों में मेरे फेस पे पिंपल निकले ये पिंपल नहीं है हाँ वही 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 मुझे एक्चुअली मेरे जुबान फिसल की क्या बताऊँ चलो मैं जा रहा हूँ मुझे छोड़ने आओ मैं लेट हो सो हॉट रेडी होके निकल चुका हूँ स्टोर के लिए रोज की तरह तो नहीं आज तो बहुत ज्यादा सच में लेट हो गई हूँ इस टाइम वो दुकान बंद करके चाबी आके पीछे रखवा देते हैं तो मैं बल्कि उसकी जान उसके बंद करने से पहले मैं पहुँच जाया करूँ लेकिन है आज तो लेट हो गई हूँ डेली जल्दी जाता हूँ एक दिन से कुछ नहीं होता लेकिन इनको हो जाता है पता है क्या जिसमान इतने मजे का बिल्कुल डार्क ब्लू हुआ है तो अभी तक मौसम बहुत मजे का है लेकिन असर के बाद ही पता चलेगा अचानक जब बारिश का मौसम बन जाएगा रोज डेली ऐसे ही होता है असर के बाद इतने मजे का मौसम बन जाता है मैं आ गया हूँ स्टोर और मौसम फिर इतने मजे का बन गया बाहर का और ये मेरा दोस्त भी आज यहाँ पे मेरे आने से पहले बैठा हुआ है वही मैंने तुम्हारी तबीयत का भी पूछा सॉरी 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 तबीयत के बताओ यार तबीयत कैसी है मेरे पास आया हूँ कुछ मेडिसिन बुखार चेक करो मेरा पेट दिखाओ रोजा नहीं है नहीं रोजा है ना इंजेक्शन लगा के दे सकता हूँ वो भी पता है तुझे मैं कैसे इंजेक्शन लगाते है कर दो अच्छा यार मैंने इतनी बेस्ट सुनी ना अब तू बता ये कैसे ये देख यार लग रहे तू मैं पंखे के साथ लटक गया था कहाँ से मैं तुम्हें शेरो खान नजर आ रहा हूँ यार शेरो खान ने कभी कट लगाया इस सेट से देख ये उस सेट मुंह कर अभी इस यहाँ से शाहरुख खान लग रहे लेकिन मैं कैसे देखूँ वीडियो में देख रहे हुआ तो साली है मेरा कलेजा बाहर निकला है ना
रोजे के हम साढ़े बाहर निकल आया आराम से मुझे बैठ नहीं मुझे ऐसा नहीं जा रहा मेरी एनर्जी तो बिल्कुल जो है ना डाउन हो रही है तो तू मुझे ना आसान देख मुझे मुंह छुपाना पड़ रहा है मुझे टोपी हूँ ऐसे पहन के जाना पड़ता ताकि कोई आई ब्रिज ना देखे कोई कट ना देखे किधर है कट किधर है ये यहाँ से लगा है ऐसे ब्रेक वो उसने ऐसे किए ना अच्छी तो वो सारा लग अगर कट लग जाता तो फिर नहीं नहीं वो उसने एहतियात से अच्छी की है सिर्फ डिजाइन बनाने के लिए अच्छी की है लिपस्टिक क्यों लिपस्टिक उठा ली तूने क्या करने लिपस्टिक को अभी मैंने काम शाम सारा अपने जो है ना कर लिए और अभी मैं आराम से बैठ जाता हूँ वहाँ पे और तिलावत करता हूँ कुछ देर और फिर से मौसम बन गया अंकल जी आज फिर तशरीफ लेके आए हुए हैं डेली की तरह ये देखें इतना ज्यादा गंद फैला के रखा हुआ है ये सारा मैं एडजस्ट कर लेता हूँ जल्दी जल्दी से एक आदमी चला लेता हूँ अंधेरा काफी ज्यादा हो रहा है और अभी जो है ना असर का टाइम भी बस करीब है फिर नमाज के लिए भी जाना पड़ा अभी ये कंफर्म नहीं हो पा रहा कि कल ईद है या कल जो है रोजा है अभी इसकी कंफर्मेशन अभी तक नहीं हुई लेकिन रात को पता लगेगा कि कल रोजा है या कल ईद है इतनी कटिंग इतनी मर्जी की ला रही है पता नहीं लोगों की ऐसी नहीं ला रही लोग इतने बातें बनाते हैं आई डोंट केयर पंखा अभी तक लगाया हुआ था मुझे ठंड लग रही थी आज कूलर पंखा जो है ना ये इसकी वजह से मुझे काफी ठंड लग रही थी लगा हुआ था इसकी इतनी ठंडी ठंडी हवा है अभी इन दिनों में ठंडी है बाद आगे वाले दिनों में जो है ना बिल्कुल गर्म बकवास हो जाए अभी मैं थोड़ी बहुत मैंने तलाश कर ली अभी मैं और भी जल्दी जल्दी से कर लेता हूँ फिर उसके बाद अच्छा का टाइम हो जाएगा फिर नमाज पढ़ने जाने फिर आ जाना है फिर रफ्तार का टाइम हो जाएगा फिर पता भी तो टाइम बहुत ज्यादा शॉर्ट है पढ़ के आ गए थोड़ी नमाज पढ़ के अभी मैं वापस जा रहा हूँ शहर की तरफ मौसम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो गया नमाज पढ़ के आ गई हूँ और मौसम जो है ना बहुत ही ज्यादा खूबसूरत खूबसूरत हो गया है मौसम जो है ना बहुत ज्यादा मजे का हो चुका है बहुत ही ज्यादा मजे का और क्या बता अभी फिर से बारिश शुरू हो जाए कल की तरह कल तो बहुत ही ज्यादा बारिश शुरू हो गई थी और बर्फबारी भी बीच में होने लग पड़ी थी लेकिन मजा बहुत ज्यादा आ गया था बीच में जो है ना कस्टमर्स की आते रहेंगे बार बार थोड़ी थोड़ी देर बाद और एडिटिंग भी करनी है सारा काम मेरा बाकी रहता है तो इधर ही इंशाल्लाह व्लॉग का एंड कर जाता हूँ इंशाल्लाह मैं तो नेक्स्ट में बहुत सारा ख्याल रखेंगे तो हमें याद रखिएगा।